Good morning, Mr. Rubi. Good morning, sir. Okay, thank you. I have started the lecture now. I'll be driving now because I have to go back to Gurgaon. Okay. Because of some border is sealing. Okay. So I have started the device will be with me. I'll not be able to check you in between the lecture. Okay, no problem. Not an issue. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. Well done. So, good afternoon. Good morning, sir. I'll just admit the student, sir. Okay, admit and go. Thank you very much. So good morning to all. Swastika, Pooja, Dan Singh, Mona, Annu, Shivani. So Dusrat bhi kam ko malum nahi. Sanjana Rathur. Abhi nahi hai, baad mein baat karenge. No, not. Good morning, Imanshu. Good. Coming back. Pratibha Savita. Good morning, Shivani. Bhavana, good morning. Okay, I think I can start now. So, Mr. Rubi is not available. Sab log ka Rubi, Mr. Rubi nahi hai abhi, bahar ja raha hai. Aap log kuch problem hoga, humko message de do. Main try to unmute karenge, no problem. I think I'm little bit better now. Pehle aise humko problem tha. So, ab shuru karenge. 164, good enough. ओके आज का क्लास है क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इन टेक्निक. ये इंस्ट्रक्टर का बहुत जरूरी है बिकॉज सो हमका विलेज टाइम में बचपन टाइम में स्कूल टीचर सबका क्वेश्चन देता है होमवर्क देता है. हम लोग बहुत दर्द से पढ़ता है उधर जाके. अभी क्या हो गया ये क्वेश्चन इन टेक्निक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग इंटरेस्ट लेने को बच्चे लोग का एक्टिवेट करने को. सो हम लोग का ये वाला टॉपिक इंस्ट्रक्टर के लिए इंस्ट्रक्टर कोचिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोग का डाउट होगा बाद में बात कर सकता है. ओके क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्निक ये इधर मैं एग्जांपल देखो पिक्चर दे दिया व्हाट क्या है क्यों चाहिए कौन चाहिए कब चाहिए ये पूरा ये क्वेश्चन टाइप है पांच क्वेश्चन टाइप फाइव डब्ल्यू सब मैं बाद में बताएंगे आपको. नाउ लेट अस सी स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट. ओके पर्पस ऑफ क्वेश्चंस क्यों चाहिए क्वेश्चन क्वेश्चन देने का क्या जरूरत क्या है. सो स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट इन लेसन दैट मींस क्या है. सपोज हम लोग का लेसन का स्टिमुलेट इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हम लोग. मैं अभी क्लास ले रहा है पूछेगा क्या क्या क्वेश्चन देगा भाई कल का क्लास क्या हो गया. सो आप लोग ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन करके क्लास अटेंड कर सकते हैं. सिमिलरली इंटरेस्ट
ज्यादा इंटरेस्ट, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता ऐसे बढ़ता है उन लोग का इंटरेस्ट कर सकते हैं। हेल्प्स टू मेंटेन अटेंशन, सपोज इन बिटवीन डिस्टर्ब हो गया, दो तीन लड़के लोग बात कर रहा है, कुछ चैट कर रहा है, इमीडिएटली क्वेश्चन दे दो, कम ऑन है क्वेश्चन आंसर बोलो, बोलेगा सो सब लोग रेडी होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमका आएगा इसे बोल के रेडी होता है। अटेंशन, सो अटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम उसूर के साथ स्टार्टिंग में बहुत आदमी बात करता है, बाद में कंट्रोल कंट्रोल हो जाएगा। सो वो टाइम में सपोज इन बिटवीन क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन दे दो, एक क्वेश्चन एक क्या हो गया एग्जाम्पल दे दो बोल के बोलेगा ना, ऑटोमेटिकली वो लोग ज्यादा लोग अट्रेंशन में आएगा। हेल्प्स टू स्टिमुलेट थ्रू प्रोवोकिंग ट्रेनिंग, प्रोवोकिंग मीन्स क्या है, ट्रेनिंग को थिंक करने को, प्रोवोकिंग थिंकिंग मीन्स ये क्वेश्चन क्या है, मीनिंग क्या है, वो थिंकिंग करने को आपका बहुत मीन ईज होता है। सो क्वेश्चन देंगे बच्चे लोग का थिंक करेगा ये वाला ऐसे कैसा है, प्रोवोकिंग थॉट्स बोलता है वो, मीन्स इंटेलेक्चुअल लग सकते हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू थिंक, थिंक कर सकता है। Enables trainees to recall the answer from the memory. Enables trainees to recall means memory से recall, हाँ क्या हो गया वो question, question बोलने के बाद में ओ यस इधर में क्या हो गया, वो दिन दे दिया, पास दे दिया, that means recalling, remembering करता है, recapitulation या recalling बोलता है। Enables trainees to clear the doubt and misunderstanding. Suppose आप लोग को थोड़ा misunderstanding, confusion होगा, अभी आप लोग question दे रहे हैं last में, but ये वाला interactive नहीं है, ज़्यादा interactive नहीं है because of the online class. Suppose regular class होगा बहुत interact करता हूँ, बच्चों लोग का स्टेट टू स्टेट फेस टू फेस होता है, अभी हम लोग का फेस नहीं देख रहे हैं क्या हो गया, बस मैं एक क्लास सिंगल मीन वन वे टॉक कम्युनिकेशन आप लोग का बात कर सकते हैं बस। सो ये क्या होता है क्वेश्चन देने का टाइम में डाउट, ज्यादा आदमी का डाउट होता है, कल एक लड़की को बोला सर ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, एग्जाम्पल रूल ऑफ इंस्ट्रक्टर में, सो वो लोग बाद में हमको बता दिया, उनका क्लैरिटी हो गया। सो क्वेश्चन देने के बाद में उनका डाउट एंड करेक्ट आंसर क्लैरिटी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होता है। ओके इसीलिए टीचर चाहिए, बुक पढ़ेगा, बुक पढ़ने के टाइम ज्यादा ज्यादा डाउट आएगा हमको, आउट आता है 100% आता है, हम की आता हम लोग आपका आता आपका आता है, वो टाइम क्या करेगा हम लोग देखना पड़ेगा कुछ आदमी को बोल के, एक्सपीरियंस आदमी बोल के सर क्या हो गया ये कैसे है ऐसे बोलना पड़ेगा। ठीक है तो नेक्स्ट इज एक मिनट भैया अभी आंसर नहीं बाद में। Okay. Enables the instructor to find out effective of teaching learning. That means a question देने के बाद में मैं बोला ना एक दिन सपोज मैं पूरा क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन दे रहा है बच्चों लोग समझ में नहीं आया उनका कैसे मालूम होगा, इन बिटवीन क्लास लेने का टाइम में ये क्वेश्चन देंगे ना हम लोग को मालूम होगा बच्चों लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 10-15 मिनट बाद में क्वेश्चन दे दो सो उनका अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मेरा टीचिंग रीच हो रहा है नहीं रीच हो रहा है हमको मालूम होगा, अभी हमका नहीं मालूम हो रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हम लोग का सिंगल है एंड वन वे कम्युनिकेशन हो गया। एनेबल्स इंस्ट्रक्टर मालूम होगा कैसा बच्चों लोग लर्न कर रहे हैं, करेक्ट लर्न कर रहा है, रॉन्ग लर्न कर रहा है, मेरा क्लास मेरा टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम है उनको समझ में आएगा, इट सर्व्स एज ए रिविजन। सो एग्जाम्पल कल का टॉपिक आज रिविजन कर सकता है मैं, रिविजन कल क्या होगा रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर क्या क्या करना है, उनका पहला क्लास टाइम मैनेजमेंट, ये वाला रिविजन कल का क्लास रिविजन करने के लिए क्वेश्चन देंगे ऑटोमेटिक रिविजन हो जाएगा, वो पांच बच्चे लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे ना कल का सब सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा, रिवीजन करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आंसर में आपको रिवीजन करता है। टू क्रिएट ट्रेनर्स कॉन्फिडेंट ऑफ हैविंग एक्वायर्ड नॉलेज, ये क्वेश्चन देने के बाद में बच्चों लोग का कॉन्फिडेंट आता है, यार मैं अच्छा आंसर दे दिया, मैं अच्छा अंडरस्टैंड हो गया, कन्फ्यूज नहीं होता है, सो कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए बच्ची को, अदरवाइज बच्चे लोग को अदरवाइज क्या होता है उनका डाउट आता है, ज्यादा डाउट कॉन्फिडेंस नहीं आता है, फ्रेंड नहीं आएगा, सो कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। Okay, makes the trainees use their provoking knowledge, sorry, previous knowledge and test their knowledge as well as achievement of learner. So, हम लोग trainees क्या होता है? Previous knowledge लेके वो knowledge test करके example हमका पढ़ा, मेरा question ना correct दे दिया, मैं अच्छा पढ़ा, previous knowledge means कल का class में हमका understanding हो रहा है, समझ में, I mean recapitulation means remember कर रहा है, ये पूरा हमको समझ में आएगा। Establishes communication between instructor and trainee. सो क्या होता है ये कम्युनिकेशन स्किल बोल रहा है मैं पहले से कम्युनिकेशन बोल रहा है ये दोनों में आपको स्टूडेंट एंड टीचर को रिलेशंस मिल जाएगा। अभी आंसर नहीं दे सकता भैया थोड़ा वेट करो मैं। फोकस द ट्रेनीज अटेंशन ऑन द मेजर पॉइंट्स आर प्रिंसिपल्स टू बी रिमेम्बर्ड। सपोज हम लोग बोलते हैं फैक्ट बोलता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर प्रिंसिपल्स एग्जाम्पल ये वाला 5W ऐसा
इधर में आप लोग का फोकस कर सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चनिंग टेक्निक क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग रिविजन करता है, डाउट आता है उधर में करता है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सारे एग्जैक्टली वो क्या हम लोग का क्लास में क्या यूज होता है वो वाला पकड़ना है, फोकस करना है। डेवलप द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड स्पीक इफेक्टिवली। सो ये वाला आपका कम्युनिकेशन अच्छा आता है ना, आप लोग डाउट क्या डाउट आंसर देने टाइम में कॉन्फिडेंस मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, प्लस एबिलिटी ये क्वेश्चन देने के बाद में आप लोग आंसर देने का टाइम में आपका एबिलिटी में सी कैन आप लोग थोड़ा बेटर पोजिशन होता है फ्यूचर में। टू फाइंड आउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डिफिकल्टीज। सपोज हमको मालूम हो गया एक लड़की अच्छा आंसर दे दिया, एक लड़की नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा हमको समझ में आता है, दैट मीन्स क्या डिफिकल्टी उनको क्यों नहीं पड़ रहा अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल मेरा स्पीड चल रहा है उनका अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, मे बी एक लड़के का ज्यादा स्पीड जाएगा उनका अंडरस्टैंड होगा, ज्यादा में ज्यादा फास्ट में क्लास लेता है मैं जनरली, हमको मालूम है मेरी वीकनेस है, फिर भी कुछ बच्चों लोग का समझ में नहीं आएगा। सो ये क्वेश्चन देने का टाइम में हमको मालूम होगा ये बच्चे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों लोग का समझ में आ रहा है, सो दैट मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस हमको मालूम हो जाएगा। To call for the attention of the inattentive learner. Example, एक लड़की सो रहा है, एक लड़की कुछ काम कर रहे हैं, मोबाइल में चेक कर रहे हैं, उनका हम लोग पकड़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन देगा वो सो बोलो सर क्या हो गया ऐसे बात करते हैं, आई कैन क्रिएट अटेंशन, हम लोग अटेंशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। टू कॉल फॉर द अटेंशन ऑफ द इनअटेंटिव, मीन्स कुछ बच्चे लोग नहीं नहीं देखते हैं ना, उन लोग का हम लोग कवर कर सकते हैं, ये वाला आपका पॉइंट दिस वन। नाउ क्या क्या क्वेश्चन टाइप है, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, इंट्रोडक्शनरी एंड प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस। सो मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, प्रिलिमिनरी क्या है। डेवलपिंग क्वेश्चन, डेवलप मीन्स कंटिन्यू करने के टाइम में। डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन, रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन, ये पांच क्वेश्चंस का टाइप है। ये पांच क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना पड़ेगा, प्लस आप लोग का ये एक्सप्लेन करेंगे मैं, नो प्रॉब्लम। सो इंट्रोडक्शनरी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन मीन्स क्या है, हम लोग का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन कर, एग्जाम्पल मैं अभी क्वेश्चनिंग टेक्निक ले रहा हूँ, मैं बोल रहा है क्वेश्चन क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्यों ले रहा है वाला, और सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट एग्जाम्पल मैं मोबाइल का बात कर रहा हूँ, सो मोबाइल क्या करता है, एफ एम ए एम ऐसा, वो इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट के लिए ये वाला प्रिलिमिनरी क्वेश्चन देना पड़ेगा। आप बोलो मोबाइल क्या है, कुछ लोग बोलेगा मोबाइल में जीपी ये वाला मोबाइल दो आई है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, क्या क्या कंपनी ब्रांड है, सो ऐसा बात कर रहे हैं प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस, दैट मींस उनका सब्जेक्ट मालूम नहीं बट जस्ट रिकॉलिंग कुछ कुछ जब बाहर में आया ना कुछ अंडरस्टैंड करके वो लोग लिख सकते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन मीन्स सब्जेक्ट करने का टाइम में, सब्जेक्ट लेने का टाइम में, अभी मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के लिए, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड, सो ये क्वेश्चन मीन अब खत्म होने के बाद में रिविजन करेगा, बाद में नेक्स्ट टॉपिक में कुछ डाउट बोलेगा। डिसिप्लिनरी क्वेश्चन मीन्स, डिसिप्लिनरी मीन्स सपोज आप लोग का थोड़ा इनएक्टिव है क्लास में, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, बोर हो रहा सब लोग को, वो टाइम आपका क्लास कंट्रोल करने के लिए आपका क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन, कंप्रेहेंसिव मीन सडनली, एग्जांपल सो हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं हम लोग अभी कम्युनिकेशन बोल, कंप्रेहेंसिव मीन रेलवे स्टेशन में बैठ के हम लोग देख रहे हैं, सडनली द ट्रेन नंबर 105 इज गोइंग टू पटना फ्रॉम चेन्नई, सब लोग देखते ना ऐसा, सडनली आप लोग क्वेश्चन देना है उन लोग का, कंट्री क्लास लेने का टाइम क्वेश्चन देगा उन लोग शॉक आके बैक टू क्लास आएगा, मीन कंट्रो मीन अटेंशन करने के लिए। रिकैपिटुलेट क्वेश्चन, रिकैपिटुलेट मीन क्लास खत्म होने के बाद में रिवीजन कर रहा है ना, रिवीजन वो रिकैपिटुलेशन, और कल मॉर्निंग क्लास लेने का टाइम में आज का क्लास रिवीजन कर रहा है, कल का क्लास रिवीजन कर रहा है, ये वाला रिकैपिटुलेशन बोलता है, रिकैपिटुलेशन मीन रिवीजन, ये वाला डिफरेंट टाइप्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन में कैरेक्टर्स क्या है, क्या क्या गुड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन क्लैरिटी आना चाहिए, क्लैरिटी मीन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे, इधर में कंप्लीट विद क्लियरली आप लोग का समझ में आना चाहिए। सिंप्लिसिटी मीन्स सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। चैलेंजिंग क्वेश्चन मीन्स कॉम्पिटिशन टाइप ऑफ क्वेश्चन चाहिए। देन स्पेसिफिसिटी दैट मीन्स स्पेसिफिक क्वेश्चन, मीन ज्यादा डबल डबल ट्रिपल आंसर नहीं देना है उनका, सिंगल स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर पॉइंट में आपका क्वेश्चन देना है। डेफिनेटिवनेस एग्जैक्टली, मीन एग्जैक्ट मीन डेफिनेट मीन्स एग्जैक्ट, डेफिनेशन टाइप डेफिनेशन टाइप एग्जैक्टली डेफिनेशन, दूसरा कुछ नहीं होता है। रिलेवेंस दैट मीन्स रिलेशन, दो तीन में रिलेशन कर सकता है। लैंग्वेज दैट मीन्स लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज, कैसे लैंग्वेज मीन क्या लैंग्वेज यूज करना है, इंग्लिश यूज करना है या हिंदी यूज करना है या लोकल लैंग्वेज यूज करना है। एंड डायरेक्टिविटी दैट मीन्स डायरेक्शन मीन्स दैट मीन्स ये लोग का क्या क्वेश्चन देना है, ये लोग का क्या क्वेश्चन देना है, और ये सब्जेक्ट में
क्या डायरेक्शन में हम लोग का एग्जाम्पल प्रिंसिपल कर रहे हैं, अरे हम लोग एग्जाम्पल हम लोग को रिपेयरिंग कर रहे हैं, उधर में हम लोग का रिपेयरिंग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रिंसिपल का अलग क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वाला डायरेक्ट करने के लिए एग्जाम्पल काला डी में क्या होता है, व्हाट इज द मेक ऑफ स्कूटर यूजिंग। सो ये वाला देखो, द अबव क्वेश्चन इज नो क्लैरिटी, व्हाट इज द मेक ऑफ स्कूटर यूजिंग, देखो वो तो क्या है स्कूटर यूज कर रहा है, मेक क्या है एग्जाम्पल, ये करंट क्वेश्चन क्या है, विच ब्रांड ऑफ स्कूटर यू आर यूजिंग, भाई आपका क्या ब्रांड स्कूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल क्या ब्रांड मोबाइल यूज कर रहे हैं, सोनी और मोटोरोला और रेडमी और सैमसंग कुछ है बोलता है हम लोग, सो ब्रांड बोलना है। पहले देखो ये वाला क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं है, व्हाट इज द मेक ऑफ द स्कूटर यूजिंग, ये क्लैरिटी नहीं है, उनका मीनिंग समझ में नहीं आता है, बट इधर में क्या हो रहा है, विच ब्रांड ऑफ स्कूटर आप यूज कर रहे हैं, सो आपका क्लैरिटी है, मेरा ब्रांड क्या है, वो बोल रहा है ब्रांड क्या है, ये ब्रांड वो नेम देखो, ये क्लैरिटी आ रहा है, द क्वेश्चन शुड बी क्लैरिटी, क्लैरिटी होना चाहिए, सिंपलिसिटी एग्जाम्पल इज क्वेश्चन मस्ट बी सिंपल शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपका कंफ्यूज नहीं करना है, आपका क्वेश्चन में ईजी अंडरस्टैंड होना चाहिए क्या बोल रहे हैं, सो ये वाला सिंपलिसिटी दैट मीन सिंपल सिंपल क्वेश्चन। चैलेंजिंग क्वेश्चन मीन्स हाउ डज द कॉस्ट ऑफ डीजल इंजन कार हायर देन पेट्रोल इंजन, हाउ डज क्यों पेट्रोल इंजन का लिए सॉरी डीजल इंजन का कार पेट्रोल का ज्यादा कॉस्टली होता है, क्यों होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल, सो ये वाला ऑटोमोबाइल में आप लोग समझ में आता है। दिस अबव क्वेश्चन इज वेरी गुड एंड स्टिम्युलेटिव थ्रू आउट द कंपेयर और बी एवेल्युएट ए कंस्टिट्यूशन चैलेंजिंग, दैट मींस ये वाला जनरल के जनरल में सब लोग का मालूम है क्यों होता है, इवन हमका मालूम है, मैं ऑटोमोबाइल नहीं है फिर भी हमका आइडिया है, पेट्रोल इंजन आपका पेट्रोल ज्यादा कॉस्टली है, डीजल चीपर है, मोस्ट ऑफ द पीपल लॉन्ग ड्राइव करने के लिए डीजल यूज करता है, लॉन्ग ड्राइव करने को कंसम्पशन पैसा वेस्ट नहीं कर सकता, स्पेशली ट्रैवलर्स ट्रैवल ना ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट ये लोग डीजल यूज करते हैं। सेकंड इज इंजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, डीजल इंजन में कॉम्प्लेक्स मीन्स कितना ईजी नहीं है मेंटेन करने को, पेट्रोल इंजन का कितना ईजी डीजल इंजन नहीं है, मैं पूरा ऑटोमोबाइल पास कर सकता हूँ, थोड़ा आइडिया है हमको बस। सो क्या हो रहा है ये वाला आपको देखो, ये क्वेश्चन देखो वेरी चैलेंजिंग, दैट मीन्स कंप्लीटली सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये मैं उन लोग का ऑटोमोबाइल का इंजीनियरिंग लोग का ऑटोमोबाइल ट्रेड में उन लोग बात कर सकते हैं, जनरल कटिंग एंड सीविंग और मोटर ड्रेस मेकिंग कंप्यूटर में उन लोग का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, देखो ये वाला क्या है चैलेंजिंग, दैट मीन्स क्वालिटी इन द क्वेश्चन है, देयर स्पेसिफिसिटी क्वेश्चन शुड कॉल फॉर ए स्पेसिफिक रेदर देन जनरल, जनरल क्वेश्चन नहीं देना, एग्जाम्पल जनरल क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम्पल कोविड, कोविड में जनरल क्या आता है, कितना आदमी का कोविड में अभी पेशेंट्स हैं, सो ये वाला जनरल क्वेश्चन आता है, हम लोग बोलना है कितना आदमी मर गया इंडिया में, कितना आदमी का पॉजिटिव आया, कितना आदमी का ट्रीटमेंट खत्म हो गया, मीन ट्रीटमेंट करके रिकवरी हो गया, देखो क्लैरिटी देखो, से कोविड में कितना आदमी आया, ये वाला ये क्या क्वेश्चन है सब इधर मिक्स हो रहा है, कितना आदमी आएगा मीन्स कितना आदमी आया, कितना आदमी का ठीक हो गया, कितना आदमी मर गया, ये समझ में नहीं आ रहा ना, क्लैरिटी होना चाहिए, कितना आदमी कोविड में पॉजिटिव था, कितना आदमी मर गया, कितना आदमी मीन रिकवर हो गया बाद भी घर चला गया, देखो स्पेसिफिक, तो हम लोग का क्या आदमी कितना आदमी मर गया वो वाला क्लैरिटी है, कितना आदमी का ट्रीटमेंट मीन रिकवरी हो गया उनका एक क्लैरिटी है, कितना आदमी का टोटल पॉजिटिव इंडिया में क्लैरिटी है, सो ये वाला स्पेसिफिक चाहिए स्पेसिफिसिटी, ठीक है। देन डेफिनेटिवनेस, डेफिनेटिवनेस मीन्स एग्जांपल, हु वाज योर चीफ मिनिस्टर, डेफिनेट आंसर, सो अभी हमका एमपी में चीफ मिनिस्टर कौन है, डेफिनेट सो मिस्टर चौहान जी है, ओके, हु वाज योर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, हमका एमपी में मालूम नहीं, बिकॉज मैं एमपी में रहता मैं साउथ में था, सो हमका एमपी चीफ मिनिस्टर हमको मालूम नहीं, देखो इधर में बट इधर में क्लैरिटी है, डेफिनेट आंसर एग्जैक्ट आंसर है, सर हमका मोस्टली ये वाला है वाला ऐसा नहीं है ना, क्लैरिटी एग्जैक्ट आंसर है हमको, डेफिनेटिवनेस एग्जैक्टली सिंगल आंसर, कंफ्यूज नहीं है आपको, मालूम है नहीं मालूम है बस, अभी करंट चीफ मिनिस्टर मालूम है, सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मालूम है, इंडिया का फर्स्ट प्रमिस्टर कब है जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका मालूम है, बट ईच स्टेट का मालूम नहीं, मैं दूसरा स्टेट में पढ़ के आया, सो क्लैरिटी देखो ये वाला डेफिनेटिवनेस एग्जैक्ट आंसर है, क्वेश्चन शुड नॉट हैव ए इंटरप्रिटेशन, वो कौन है सॉरी लाल बोस शास्त्री, लाल बोस सेकंड प्राइम मिनिस्टर था कौन है, हमको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स आपका डेफिनेटिव आंसर शुड बी वेरी करेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन में आप लोग बोलना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन मीन्स कन्फ्यूज नहीं करना, ये वाला ऐसा नहीं करना है, देयर शुड बी ओनली वन आंसर टू क्वेश्चन, एक ही आंसर क्वेश्चन के लिए, दूसरा आंसर नहीं है,
देन रिलेवेंस रिलेवेंट रिलेवेंट टू टॉपिक. सो मैं टॉपिक ले रहा हूँ कम्युनिकेशन, आज का क्लास है क्वेश्चन टेक्निक है, मैं दूसरा का सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, नॉन रिलेवेंट अच्छा नहीं है ना, रिलेवेंट ये सब्जेक्ट के लिए आपका क्वेश्चन देना पड़ेगा. सिमिलर लैंग्वेज बोला पहले, लैंग्वेज मीन सेम लैंग्वेज मीन विच लैंग्वेज आप कंफर्टेबल. मैं तेलुगु में अकाउंट से क्वेश्चन नहीं दे सकता है, तमिल में नहीं दे सकता है, आपका लैंग्वेज क्या है वो देना पड़ेगा. ओके, देन डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी मीन्स डायरेक्शंस, डायरेक्शन का मीन्स ये वाला डायरेक्शन में, दैट मीन्स एग्जैक्टली पोजिशनिंग. मैं क्लास में अजी आज का ये कम्युनिकेशन क्लास चल, एक क्लास चल रहा है उनका डायरेक्शन में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन देना और प्रीवियस टॉपिक क्वेश्चन देना, कंटिन्यूटी करना है, ये वाला डायरेक्टिव बोलते हैं डायरेक्शन, ये वाला ऐसा जाना ऐसा जाना. नाउ टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चनिंग, क्या क्या टेक्निक्स है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का टीचर्स को. थ्रो द क्वेश्चन टू द एंटायर क्लास, थ्रू द क्वेश्चन टू एंटायर क्लास, में क्वेश्चन क्या करना है क्लास पूरा बोलना है. एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन एक आदमी का नहीं देना है, वो ओवरऑल फुल ओवरऑल देना है. ओके टुडे आई एम टेकिंग क्लास ऑफ क्वेश्चनिंग, आप बोलो क्या क्या क्वेश्चन है, एक आदमी नहीं बोल रहा है, जनरल सब लोग का दे रहा है क्वेश्चन. वो टाइम में अलाउ सफिशियंट टाइम फॉर ट्रेनर्स टू थिंक फॉर अ करेक्ट आंसर. सो दो मिनट टाइम दे दो उनको, क्या आंसर देंगे. ओके टेक टू मिनट्स, थिंक करके हमका बता दो. कुछ बच्चे लोग जल्दी बोलते हैं, नहीं दो मिनट थिंक करके बात करो आपसे बोल रहे हैं. कॉल ए ट्रेनी बाय नेम टू आंसर द क्वेश्चन. एग्जाम्पल रेखा आप आंसर दे दो और सविता आप आंसर दे दो और ऐसा नाम बोलो, ऐसे बोल के अपना आंसर दो, सब लोग का नाम आपको मालूम हो जाएगा. सो कॉल ए ट्रेनी बाय नेम आंसर द क्वेश्चन, दैट मीन्स उनका बोल के आंसर बोलो, आंसर बाय क्वेश्चन आंसर दे दो, दैट मीन्स एक्टिवेट कर रहे हैं क्वेश्चन को लड़के वो स्टूडेंट को. लिसन टू द आंसर एंड डू नॉट एक्सेप्ट फर्स्ट करेक्ट आंसर, पास ऑन टू सम मोर ट्रेनीज टू मेक श्योर हाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग इट. सपोज एक फर्स्ट एक क्वेश्चन दे दिया, ये लड़की आपका आंसर दे दिया, आंसर ठीक का आंसर है, मैं क्या बोलना है, ठीक नहीं बोलना है. ओके नेक्स्ट आप बोलो. सो ये दूसरा लड़के को कंफ्यूज आता है, ये ठीक बोल रहे हैं, अच्छा ठीक बोल रहे हैं, वो करेक्ट आंसर देगा. ऐसे तीन चार बार आंसर देने के बाद में हमका समझ में आएगा ये लोग आंसर अच्छा पढ़ के आया, अच्छा मालूम हो गया. सो ये क्या होता है, एक लड़के अच्छा आंसर दे दिया ना, मैं पहले बोलेंगे दूसरा आंसर, दूसरा लड़के को थिंक नहीं कर सकते हैं वो लोग, थिंकिंग वो थिंकिंग नहीं कर सकते, जस्ट कॉपी कर सकते हैं. सो हम लोग थिंकिंग करने का चांस देना पड़ेगा, दो तीन बच्चे लोग बोल के बाद में आंसर ले लूंगा सर. रिपीट गिव द करेक्ट आंसर क्लियरली लाउडली एंड एंश्योर दैट द एंटायर क्लास हियर यू. वो सपोज आंसर मिलने के बाद में वो रिपीट करो, यस ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, एग्जाम्पल ये स्टूडेंट बता दिया ये वाला, लाउडली सब लोग का मालूम होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या है, वो करेक्ट आंसर आप रिपीट करना, टीचर रिपीट करना है बच्चों लोग को, सो उन लोग को समझ में आएगा आप करेक्ट आंसर दे दिया, कंफ्यूज नहीं आना चाहिए. सॉरी नाउ डिस्कस एंड क्लियर अप मिसअंडरस्टैंडिंग इफ एनी. सपोज मिसअंडरस्टैंडिंग होगा सर, आपका डाउट आ रहा है, वो डाउट क्लैरिटी क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई नहीं करेगा ना उन लोग का लाइफ लॉन्ग डाउट ऐसे पकड़ता है. अभी बचपन से कुछ डाउट अभी तक कम है हमको मैथमेटिक्स कुछ, बिकॉज हम लोग का डाउट क्लैरिफाई नहीं किया वो टाइम, हम लोग बात नहीं कर सकते हैं. सो क्या करना, आप लोग डाउट क्लैरिफाई करेंगे ना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए स्पेशल टेक्निकल साइड में, हमारा फील्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग में क्लैरिटी चाहिए. सो डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट क्लैरिफाई करना है आप लोग टीचर्स को काम है, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग आएगा कन्फ्यूज हो जाएगा. सो क्वेश्चनिंग शुड बी ए क्लियर ए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन आप लोग का लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए, क्या लैंग्वेज. एग्जाम मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ आपको, मैं इंग्लिश में बात करके आपका रिपीटेशन में एग्जाम्पल हिंदी में दे रहा हूँ, मेरा मे बी मेरा हिंदी अच्छा नहीं, फिर भी आप लोग का अंडरस्टैंड करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ. सो ऐसा इंग्लिश में देंगे, कुछ आदमी का लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, ज्यादा आदमी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है हमारा, स्पेशली आई टी एस वो. सो इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों थोड़ा स्मार्ट होता है, आई टी बच्चों पूरा इंडिया में, एग्जाम्पल साउथ में उन लोग का हिंदी मालूम नहीं, सो इंग्लिश ज्यादा आदमी को मालूम नहीं. इवन वो सिटी बच्चा लोग, सिटी के छोड़ के एग्जाम्पल दिल्ली बॉम्बे चेन्नई एक एक सिटी में बच्चे लोग उन लोग को थोड़ा इंग्लिश में आता था, दूसरा आदमी को इवन साउथ में इंग्लिश ज्यादा मालूम नहीं है. इफ यू गो टू इंटीरियर चेन्नई तमिलनाडु में उन लोग तमिल छोड़ के दूसरा लैंग्वेज मालूम नहीं है. सिमिलर कर्नाटक में बेंगलुरु छोड़ के मैसूर छोड़ के दूसरा जगह में उनका इंग्लिश मालूम नहीं है. सिमिलर सब जगह में इवन बंगाल में बाहर जाएगा. सो क्या हो रहा है हम लोग का, वो लैंग्वेज सबका समझ में आना चाहिए, ठीक है. ए क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन अ प्रेजेंट मैनर to engage the trainee, think by which correct answer would. Present means announcing, coolly, happily, traditionally. Answer de do, yes karo, aisa nahi karna.
आराम से करना है, उन लोग का समझ में आता है. ओके नाउ अलाउ वन ट्रेनी टू आंसर एट ए टाइम, डो नॉट अलाउ ग्रुप आंसरिंग. पहले जनरल क्या आता है, एक क्वेश्चन देंगे सब लोग बोलते हैं आंसर, वो अलाउ नहीं करना है. पहले एक एक आदमी को ग्रुप में नहीं बोलना, पहले एक दे दो, बाद में आप बोलो, आप बाद में आप बोलो, ऐसा एक एक आदमी को देना है आपको. ग्रुप में आंसर नहीं लेना है. At the end, correct answer given must be appreciated so that the new source encouraged to the students. Suppose खत्म होने के बाद में excellent, excellent बच्ची, आप अच्छा अच्छा आंसर दे दिया, वो encourage करना है. encourage करने के टाइम में उनका हैप्पी नेक्स्ट टाइम काम करता है. सिमिलरली दूसरा बच्चों का हैप्पीनेस आएगा. सो एक आदमी क्वेश्चन देंगे एक्सलेंट वेल डन, अभी जब बोलेंगे ना वो दूसरा बच्चों का हैप्पी है, नेक्स्ट टाइम वो लोग ट्राई करता है. सो ओके ठीक है बैठो, ऐसे नहीं बोलना है, आंसर दे दिया ठीक है बैठो, बोलेगा ना उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनका इंटरेस्ट नहीं आता. नेक्स्ट टाइम क्यों बोलेगा भैया, क्यों बोलेगा सारा अच्छा रहा, ऐसे क्या क्या जरूरी है, कम ऑन एक्सीलेंट वेल डन, ऐसा अप्रिशिएट करना है. अप्रिशिएट करेंगे दूसरा बच्चे लोग अच्छा इंटरेस्ट में आंसर देता है, पढ़ता है वो. ठीक है अभी थोड़ा वेट करो, रेज करने की जरूरत नहीं, टाइम देंगे मैं टाइम, अभी 10 मिनट में टाइम देंगे. अलाउ वन ट्रेनी टू आंसर, सॉरी इम्प्रॉपर टेक्निक्स, ये इंपॉर्टेंट आपको, इम्प्रॉपर क्वेश्चनिंग टेक्निक. कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग का इम्प्रॉपर में अच्छा नहीं देता है हम लोग. ओके पहले वाला डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चंस, से एग्जांपल ये कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर मीनिंग क्या है, कितना पार्ट्स है, वो मेमोरी क्या है, ऐसा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एट अ टाइम दे रहा है, वो गलत है, वो ऐसा नहीं देना है. सी पहले एग्जाम्पल कंप्यूटर में क्वेश्चन दे रहा है, कंप्यूटर क्या है, मीनिंग डेफिनेशन क्या है, पहले क्वेश्चन. देन दूसरा उनका पार्ट्स क्या है, देन उनका कैसे काम करता है, किधर यूज कर रहा है, ऐसा ऐसा करना हम लोग का लेसन प्लान में, ऐसा ऐसे लेना है. सब एक साथ देंगे ना हम लोग कंफ्यूज होता है. दैट मीन्स एक एक क्वेश्चन में डबल ट्रिपल ऐसा नहीं करना, सिंगल क्वेश्चन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देना है. रोटेशनल क्वेश्चन टू बी सेम लर्नर रिपीटेडली. रोटेशनल क्वेश्चन मीन्स, रोटेशन मीन्स सपोज एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दूसरा रोटेशन मीन नेक्स्ट नेक्स्ट सेम क्वेश्चन दूसरा आदमी रिपीट करो, बोला ना पहले बोला मैं. सो क्या होता है, रोटेशन मीन्स क्या, सेम क्वेश्चन आपको पहले एक क्वेश्चन दे दिया, एक लड़के आंसर दे दिया, सेम क्वेश्चन दूसरा का आप 10 मिनट के बाद दूसरा को दे रहा है, ये वाला अच्छा नहीं है, कन्फ्यूज होता है. क्वेश्चनिंग कंटिन्यूसली, ये कुछ लोग आके नहीं पढ़ता है उनको, नहीं एक्सप्लेन करता है, बोले क्वेश्चनिंग क्वेश्चन क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चनिंग करता है, आंसर नहीं लेता है, मीन्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, क्वेश्चनिंग करता है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन आस्क ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल हम लोग क्या होता है, सब विलेज में इंस्पेक्टर आता है, विलेज स्कूल में प्रिंसिपल आएगा, वो टाइम बोलता है बच्चे लोग 4-5 बच्चे लोग स्मार्ट है ना, क्वेश्चन आपको देंगे, आप लोग आंसर करना, ए दूसरा बच्चे लोग चुप बैठना है, कुछ आंसर देने टाइम क्या होता है, ये लोग बच्चे लोग आंसर देते हैं, वो डल स्टूडेंट ऐसे बैठते क्या समझ में नहीं आता उनको. दैट मीन्स ए बैड हैबिट है. मेरा क्वेश्चन शुड बी सब लोग, मैं बोला ना मैं टीचर कौन का है, एकदम लास्ट स्टूडेंट का टीचर है, ये लास्ट स्टूडेंट पे मैं अच्छा नहीं अच्छा पढ़ेंगे ना ऑटोमेटिक मैं अच्छा टीचर होता है, 10-5 स्मार्ट 5-5 लोग ऑटोमेटिक पढ़ता है वो, तो ऐसे नहीं करना है, सब लोग का मैं टीच करना है. तभी मेरा क्वेश्चन शुड बी सब लोग का क्वेश्चन देना है, नॉट वन फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट, ऐसा नहीं आना चाहिए. आस्किंग यस सर नोट क्वेश्चन, ओके बोलो यस सर नो, यस नो, ऐसा नहीं आना चाहिए, यस नो ऐसा नहीं आना चाहिए, आप लोग का ट्रू एंड फॉल्स है, आप बोला आंसर थिंक करके आंसर देना है. कुछ बोलेगा यस सर नो, यस सर, यस सर नो, नो सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं देना है. मैं ये वाला बोलता है ऑब्जेक्ट्स बोलता है, अच्छा मैं सब्जेक्ट बोलता है, ये सब्जेक्ट पर पॉइंट में आपका क्वेश्चन देना है, ये एग्जांपल ये पॉइंट आपका आंसर देना है, टू यस सर नो ऐसे नहीं करना है. नाउ सो क्वेश्चन देने का टाइम में ये वाला इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट. पहले ड्राइव दे दिया वही ये क्वेश्चन में, क्यों एक कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, क्यों पहले वही, देन व्हाट क्या है, क्यों है, क्यों चाहिए आपको, क्या चाहिए, कौन, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, हु डेवलप्ड एल्गोरिथम, कौन कौन दिया, कौन नाम का हमारा इंडिया का कौन का कौन इज सॉरी डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कौन कब हो गया है, मीन्स ईयर कब आपका एग्जाम होगा, कब पास किया, कब विच ईयर, व्हेन कब, वेयर किधर पास किया,
NSTA में बेंगलुरु, NSTA इंदौर, NSTA पानीपत, NSTA इलाहाबाद. प्लेस किधर, वेयर, कैसा किया. सो हमका कम्युनिकेशन में एक ही डिफरेंट है, में ये वेयर नहीं आ रहा है, उधर में हुम आएगा कम्युनिकेशन में, बट इधर में दूसरा सेम है. वही क्यों चाहिए, क्या चाहिए, कौन का चाहिए, अकाउंट इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, किधर इन्वेंट किया एंड कैसे इन्वेंट किया, ये वाला सब लोग में क्वेश्चंस में ये वाला आना चाहिए. ओके ठीक है, गुड. देन मेमोरी ऑफ, मेमोरी ऑफ द मेमोरी टाइप क्वेश्चंस, मेमोरी से क्या हो गया भैया, सॉरी सॉरी सॉरी. कॉपी में थोड़ा दो बार कॉपी हो गया, सॉरी मिस गया में. ओके मैं बोला गया मेमोरी मीन्स आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके ये वाला छोड़ो, मैं कॉपी पेस्ट में आएगा. इंपॉर्टेंट मेमोरी मीन्स एग्जांपल ए पर्टिकुलर पार्ट, फोर स्टेप मेथड बोलो, ये वाला मेमोरी सब लोग इंस्ट्रक्टर फोर स्टेप होना चाहिए. सो ये वाला आप दे, थोड़ा सॉरी ये वाला थोड़ा गलत में कर दिया, कॉपी पेस्ट में भी गया, मैं आपका बाद में आएंगे. ओके सो स्टेप्स टू, ये वाला फोर स्टेप मेथड है, फोर स्टेप मेथड होना उधर में आएगा. प्रेजेंटेशन सॉरी प्रिपरेशन, क्यू मीन्स वाई मीन्स प्रिपरेशन, वाई में इंट्रोडक्शन रिव्यू क्वेश्चन, दैट मीन्स रिविजन, कल का क्या हो गया हम लोग, आज का क्या क्लास है, क्यों चाहिए क्लास. एग्जाम्पल आज मैं कुछ क्लास ले रहा है, एक क्लास में रिविजन करना है, कल का रिविजन करना है, एक क्लास में सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्पल बोलना है, ये सब्जेक्ट कैसा है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे हम लोग कैसे वर्क करता है, ये मैथमेटिक्स कैसे है, ये वाला इंट्रोडक्शन बोलता है और रिविजन बोलता है, कल का रिविजन. ये दोनों में प्रिपरेशन, वही प्रिपरेशन लेसन प्लान में ना, प्रिपेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, एवोल्यूशन, चार लेसन प्लान सेम थिंग. इधर में क्वेश्चन आना चाहिए, पहले प्रिपरेशन का क्वेश्चन क्या है, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन का सब्जेक्ट और प्रेजेंटेशन मीन कल का रिविजन. टेल एंड शो, प्रेजेंटेशन में क्या है, डेवलपिंग क्वेश्चन, वन स्टेप, टू स्टेप, थर्ड स्टेप, रिविजन करना. भैया फोर्थ स्टेप क्या है, हम लोग बोलो क्या स्टेप होता है नेक्स्ट में, आज का क्लास फर्स्ट स्टेप हो गया, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये डेवलपमेंट सीक्वेंसिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला क्वेश्चनिंग देना आपको. एप्लीकेशन रिकैप्चर लेट क्वेश्चंस आर रिविजनरी, दैट मींस रिविजन, दैट मींस आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद में ये वाला बोलो, ये क्वेश्चन बोलो. ओके आप बोलो क्या हो गया आज, क्वेश्चनिंग क्या क्या है, फाइव डब्ल्यूज क्या है, रिविजन खत्म होगा, रिविजन दैट मींस रिकैप्चर, बच्चों लोग अंडरस्टैंड करता है, रिमेंबर कर सकता है, रिविजन टाइम, ये वाला एप्लीकेशन पार्ट. एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मीन्स ये टेस्ट, टेस्ट देंगे एक वीक के बाद में, मंथली टेस्ट देंगे, और एग्जामिनेशन आ रहा है अभी आप लोग, एग्जामिनेशन कैसे टेस्ट आएगा, एग्जामिनेशन में बहुत बारह स्किल्स ऐसे पढ़ना है. देन ड्रिल क्वेश्चन, ड्रिल मीन्स सो एग्जाम प्रैक्टिकल, एग्जाम्पल मार्क बोल रहे मार्क ड्रिल, कल एग्जाम आ रहा है सब टेम्पररी, मीन्स एग्जाम का क्या बोलता है, एग्जाम में रिविजन बोलता है, रिविजन रिविजन एग्जाम्स बोलता है, बेस एक वन मंथ पहले और टेन डेज पहले हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं आपको, रिपीटेशन एग्जाम, ऑलमोस्ट उन लोग का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. देन कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन, कंप्रेहेंसिव मीन्स मैं बोला ना सरल सरल क्वेश्चन आएगा आपको, बात करने टाइम में क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे, ये वाला बोला टेस्ट एवोल्यूशन आता है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, एवोल्यूशन में क्वेश्चन आप लोग देना है. ये मेमोरी ये बोला ना, मेमोरी में क्या है, मेमोरी मीन्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग क्वेश्चन देना है, मैं एक्चुअली कॉपी करने टाइम में मिस कर दिया मैं, सॉरी. So respond to the correct answers. So आप लोग का don't discourage them. Suppose to decide respond to wrong answers. So बच्चे लोग answer wrong देंगे ना, ये क्या है आप पढ़ नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं बोलना है, discourage नहीं करना, ही ना करना. सी बोला ना बच्चों लोग का, अभी स्टूडेंट को आप लोग encouragement करना टीचर, ए भाई साहब बेटो अच्छा नहीं बोला, ऐसे नहीं बोलना, ठीक बेटे कमा ट्राई करो, कमा ट्राई करो, कल मेरा स्टूडेंट में थोड़ा डाउनलोड करने का ट्राई कर रहा है ये ऐप, क्या बोलता है IBM का स्किल बिल्डर को, सर मेरा मोबाइल नहीं, कुछ कुछ बात कर रहा है, उनका मैं डिस्कस नहीं किया, कमा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो हाफ एन आवर में वो अपडेट कर दिया हमको, दैट मीन्स डिस्कस करें आप लोग यूजलेस है, वेस्ट ऐसे नहीं करना, आप लोग एनकरेजमेंट करना है. इट कैन टेक करेज फॉर दम टू ऑफर टू आंसर, मीन्स क्या होता है ना ये आप डिस्कस करेंगे ना, वो नेक्स्ट टाइम वो आंसर नहीं देंगे आपको, ऐसे बैठेंगे चुपचाप बैठेंगे, एंकरेज करेंगे ना वो ऑटोमेटिक में नेक्स्ट टाइम वो आंसर देता है. ओके डोंट इग्नोर देम, क्वेश्चन देगा ओके बेटा ऐसे नहीं करना है, स्टूडेंट इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों लोग एंकरेज करके एक्सलेंट है
एग्जाम्पल कुछ आदमी एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट बेटी बैठो ऐसा बोलना पड़ेगा, इग्नोर नहीं करना, ऐसा बैठो ऐसा नहीं करना है. डोंट से ब्लैंडली दे आर रॉन्ग, नो यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं करना बेटी. आप आ रहे हैं नजदीक कर रहे हैं, कमान नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ऐसे थिंक करो एग्जैक्ट नहीं है पर फिर भी आप लोग अच्छा है ऐसा बोलना, नहीं रॉन्ग बैठो ऐसा नहीं करना है, ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप बोलो, आइए 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 आराम से नेक्स्ट आ रहा है, आप नजदीक कर रहे हैं, कमान ऐसे इंक्रेज करना है. डोंट टेक रिस्क डैमेजिंग सेल्फ एस्टीम एंड चेंज ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्यूचर. एक क्वेश्चन, सपोज एक लड़की ये बेटी आर से देंगे हमको, ए क्या पढ़ रहा है आपका इंजीनियर से बैठो मीन्स उनका लाइफ लॉन्ग में उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऐसे डिमोटिवेशन होगा, तो मीन्स ऐसा कैसे करेंगे, तो मीन्स डल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, इंकरेज करना है, कम ऑन डू इट ऐसे करना है. ये वाला एक्चुअली क्या भैया, ये वाला आपका सिलेबस में नहीं है, तो मीन्स सीबी मीन ये वाला पीओटी सिलेबस निमी में नहीं है, ये हमारा सी एस टर कलकत्ता का सिलेबस है. ये क्या है, हमको क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं, सब कुछ लोग आप लोगों का SSC UPSC एग्जाम लिख रहे हैं ना, SSC UPSC और क्या बोलते हैं रीजनिंग एग्जाम, रीजनिंग ये क्वेश्चन में ये वाला आपका आंसर मिल जाएगा, ऐसे में दोहराए ये सिलेबस पर नहीं है फिर भी आप लोग दे सकते हैं. क्लोज क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन, सोक्रेटिक क्वेश्चन, ये वाला अलग है, सब सिलेबस में आएगा क्वेश्चन देंगे आप लोग, दे आउट ऑफ सिलेबस में फिर भी आप लोग पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन में 3 बेसिक स्टेप्स हैं. एक वाला क्लोज क्वेश्चन बोलते हैं, दैट मींस क्लियर क्वेश्चन, क्लोज मींस क्लोज, डेफिनेट मींस करेक्ट एग्जैक्ट आंसर, ओनली वन आंसर, चीफ मिनिस्टर कौन है, ओके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, बस सर्कल डिफाइन. यूजफुल टू चेक अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ रिकैप्चर, ये वाला क्या होता है, जनरल रिविजन करने के टाइम में ये वाला यूज होता है आपको, रिविजन करने के टाइम में. ओपन क्वेश्चन, ओपन, नो सिंगल राइट आंसर, आप लोग SSC जाएंगे ना देखता हमका चार आंसर, अभी भारत स्किल से आ रहा है, मैं देखा कल एक बेटी लेके आया हमारे साथ, चार क्वेश्चन आंसर ये किया आ रहा है, कैसे थिंक करेंगे, दैट मींस सब आंसर सबका ठीक लग रहा है, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिल रहा है, सो कंफ्यूजन आंसर से, ये नो सिंगल राइट आंसर, यूजुअली रिक्वायर मोर एफर्ट टू आंसर, एग्जाम्पल SSC में, रीजनिंग में, एप्टीट्यूड टेस्ट में 100% ऐसे आंसर क्वेश्चन देगा, दैट मींस वो थोड़ा जनरल नॉलेजेबल, मींस UPSC, SSC, IAS, IPS उन लोग के जाने टाइम में ज्यादा नॉलेज चेक करना, बट हमारा ITA में स्किल चेक करना है, सो स्किल के लिए डाइट चाहिए, ये वाला पॉजिटिव पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बोल रहा है मैं, इसलिए आपके सिलेबस को रिमूव कर दिया, फिर भी आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, इजी लिखे मोर मोर इंटेलिजेंट मोर एफोर्ट, हेल्प पीपल्स टू डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. आप रीजनिंग देखो 4 आंसर में एक आता है, 4 ऐसा आता है, क्या डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट हम लोग समझ में आता है, थिंकिंग करेगा. सोक्रेटिक क्वेश्चन, क्लोज द ओपन सोक्रेटिक मींस दूसरा है, वन वांटेड टू प्रोब ए स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, सो प्रोब मींस एक स्टूडेंट का कैसे अंडरस्टैंडिंग होगा, वो हमका कंफ्यूज करने का ट्राई कराएगा हमें, सी कंफ्यूज क्वेश्चन, कंफ्यूज करेंगे उन लोग का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उनका ठीक रेडी कर रहा है, कंफ्यूज करेगा उनका ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है सर, टेंशन हो जाएगा, सो टेंशन करना है, मींस आई वॉन्ट अ बेस्ट ट्रेनिंग, मैं मोस्ट इंटरव्यू में ऐसे करता है, इंटरव्यू करने का एकदम एग्जाम सेलेक्ट कर रहा है, मैं लास्ट टाइम हमको भोपाल में सेलेक्ट किया दो कंसल्टेंट में, मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कंफ्यूज क्वेश्चन दे दिया उनको, यस सर नो ऐसा क्यों, हम लोग क्वालिटी चाहिए, बेस्ट पर्सन चाहिए, वो टाइम ऐसे करना है. टाइपिकली शार्प क्वेश्चन विच अटेम्प्ट टू टीच द स्टूडेंट्स मोर इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स थिंकिंग, सो टीच करने का ट्राई कर रहा है हम लोग, मीन स्पेशली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन है, आप लोग UPSC जाएगा ना, SSC जाएगा, इंटरव्यू में जाएगा ना, ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, कंफ्यूज करेगा लोग, क्यों लोग का बेटर चांस चाहिए, बेटर आदमी चाहिए ना, बेस्ट आदमी चाहिए, सो ये वाला टाइप का क्वेश्चन, ये वाला 3 क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लोग SSC कॉम्पिटिशन जाने के टाइम में ये आपका मैं आपको बोल रहा है आप लोग, ठीक है. नाउ इट इज द टाइम फॉर डाउट्स क्लैरिफिकेशन, मैं सब लोग का म्यूट ऑफ कौन कौन का आगा बोलो आपको, मैं आपका म्यूट करेंगे, ठीक है. सो आप लोग का कुछ आदमी का डाउट आगा बोलो, मोना चौहान, एक मिनट, आप लोग अनम्यूट करो, ज्योति चौधरी अनम्यूट करो, आप बोलो ज्योति चौधरी. नो सर.
आप रेज कर दिया हैंड, नो डाउट, ओके वेरी गुड, अनम्यूट करो. देन अंतरा, अंतरा क्या हो गया, अंतरा क्लास अटेंड कर रहे हैं, अनम्यूट करो अंतरा. यस सर, प्लीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस एक बार रिपीट कर दीजिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस, ठीक है. यस सर. देन बंद करो आप, ये कौन है, अनम्यूट करो. मौसूर लश्कर, मंसूर लश्कर अनम्यूट करो. मंसूर लश्कर एंड श्रद्धा, श्रद्धा अनम्यूट करो. अभिलाषा डाउट है आपको, अनम्यूट करो. बोलो अभिलाषा. सर क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस एक बार ही आप रिपीट कर दीजिए प्लीज. ओके ओके ओके. प्रेम शंकर अनम्यूट करो एंड श्रद्धा अनम्यूट करो. श्रद्धा बोलो अभी क्या चाहिए आपको, श्रद्धा और प्रेम शंकर एनीवन. सर हाँ बोलो. हेलो सर. सर ये जो तीन आपने ओपन और क्लोज क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस बताएं तो एक बार फिर से कर दीजिए. ये वाला आउट ऑफ सिलेबस बोला आपको, प्रदीप ने एक्सप्लेन किया, ठीक है बोलेंगे, नो प्रॉब्लम. तो प्रेम शंकर बोलो, प्रेम शंकर. सर जैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हाँ तो सर हम जैसे उनको, जैसे एक स्टूडेंट ने आंसर बता दिया, ओके तो उनको मतलब उसके बाद हमें क्वेश्चन को दूसरे से पूछना है, तो उस कंडीशन में मतलब हम उसे, मतलब हमें कुछ उसको मोटिवेट करना पड़ेगा ना, हमें कुछ बोलना पड़ेगा उसको. नहीं अभी नहीं, मोटिवेट करना है बट अभी नहीं है ना, दो तीन मिनट चांस दे रहा हूँ. क्या होता है अभी बोलेगा ना, दूसरा आदमी थिंक ही नहीं कर सकता ना. आप आंसर बोल रहे हैं, दूसरा आदमी थिंक ही नहीं कर सकता है. वो दो तीन आदमी देखो, सब लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएगा ना, थिंक नहीं कर सकता है वो. ठीक एग्जाम में एक आदमी का अच्छा बोल रहा है, मैं ऐसे छोड़ेंगे ना, दूसरा आदमी थिंक नहीं कर सकता है. हम लोग थिंक करने का चांस देना होगा, ठीक है ना. तो सर जैसे हमने तीन चार लोगों के आंसर ले लिए, उसके बाद हम उसको, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं. यस यस वेरी गुड. ज्योति चौधरी, ज्योति चौधरी अनम्यूट करो. अनम्यूट कर बोलो ज्योति चौधरी, क्या चाहिए आपको. हो गया ना ज्योति, हो गया सर. बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो. वीरेश, भावना कपूर अनम्यूट करो. भावना कपूर, वीरेश अनम्यूट करो. सर मेमोरी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताना एक बार. क्या क्या मेमोरी टाइप क्वेश्चंस को रिपीट करना. एग्जांपल में वो एक्चुअली स्लाइड गलत कर दिया. मेमोरी मींस क्या है, एग्जांपल हम लोग का इंपॉर्टेंट फैक्ट था. एग्जांपल में रिपेयर कर रहा है, रिपेयर ऑफ कुछ मशीन रिपेयर, कंप्यूटर रिपेयर कर रहा है, उधर में रिमेंबर करना क्या है, रिमेंबर करने करने को कंप्यूटर रिपेयर करने का पहले आप लोग का ये चिप है ना, बैटरी रिमूव करना है, बैटरी चेक करना है, बाद में रैम चेक करना है, एसएमपी चेक करना है. चार पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला सब लोग का मेमोरी करना है. दैट मींस आपका क्वेश्चन पूरा उनका कॉन्सेंट्रेट करना है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं करना है. सो मैं रिपेयर करना है, चार इंपॉर्टेंट है, रैम रिमूव करना है, एसएमपी चेक करना है, बैटरी मस्ट बैटरी चेक करना है. एग्जाम्पल ये तीनों में हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है. उधर में आप लोग बोला ये क्या है, ये क्या है, ये चोर के रिपेयर करना है, दूसरा पकड़ के लैंड में, ऐसा कुछ नहीं देना है. ये टॉपिक में सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेमोरी करना है, वो सब्जेक्ट में आंसर कुछ देना है आप लोग. ओके वीरेश बोलो, वीरेश बोलो, भावना बोलो. सर आई एम वीरेश फ्रॉम डाउनगिरी आईटीओटी. सर आई एम वीरेश फ्रॉम डाउनगिरी आईटीओटी कर्नाटका. डाउनगिरी वेरी गुड सर, वीरेश सर आई थिंक आपका मिला मैं, यू नो मी नो. हां सर बेंगलुरु या पटेल में सर. हां सर. Sir, I wanted to know when will the RPL be called out, sir? Sir, this RPL, I am a principal now. You have to talk to DGET headquarters or you have to talk to NIMI. Huh? I am not having direct relation. Okay, sir. I can't comment okay, out. Sir. Oh, okay. Okay, sir. Okay. Oh, no problem. Bhavana, Bhavana. When the exam may take? Exam mostly July 2nd, 3rd week or 4th week. July end may have. July end mostly. July end. So, Shraddha. प्रशांत कौन है, प्रशांत. यस सर. बोला सर हो चुका है. प्रशांत सर मैंने क्वेश्चंस पूछ दिया था. ओके ओके प्रशांत मौसम हो तो ओके मैं आप क्लास लेंगे अभी, रिपीट करेंगे. लेट मी गो टू क्लास. ओके
क्लियर क्लोज क्वेश्चन क्या मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, डायरेक्ट आंसर्स मीन्स एक ही क्वेश्चन में एक आंसर मिलता है। सो एक्सप्लेनेशन क्या, फॉर एग्जांपल कल का क्लास हो गया, क्या हो गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कौन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। राउंड मीन्स क्लोज, क्लोज क्वेश्चन, तीनों आंसर, दूसरा आंसर नहीं है। ओपन क्वेश्चन मीन्स डबल क्वेश्चन है, डबल मीनिंग आएगा आपको, एक ही क्वेश्चन में दो तीन आंसर दे सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल नन ऑफ द अबो, ऑल द अबो आ रहा है, ऑल द अबो आ रहा है, फर्स्ट फोर पे ऑल द अबो आ रहा है। सो एक क्वेश्चन में आपका कंफ्यूज करने का भी ऑल द अबो ज्यादा बोलेगा मैं। देन सोक्रेटिक क्वेश्चन मीन्स आप लोग यूपीएससी एसएससी में सो कंफ्यूज करेगा आप लोग का, कंफ्यूज मीन्स आपका इंटरव्यू करेगा टाइम में, सो उनका कंफ्यूज करने का मैं ट्राई करता हूं, कंफ्यूजिंग। ओके नेक्स्ट वन इज रेस्पॉन्डिंग भावना मेमोरी का गलत है, ओके ये वाला गुड क्वेश्चन बोला ना, कैरेक्टर का गुड क्वेश्चन। ये वाला क्या है, क्लैरिटी चाहिए क्वेश्चन में आपका, क्लियर क्वेश्चन मींस क्लैरिटी इन द क्वेश्चन, आपका आंसर में उनका समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं आपको। सिंप्लिसिटी, कंफ्यूजन आपका लैंग्वेज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। चैलेंजिंग मीन्स क्या है, एग्जैक्टली एग्जाम में बोला ना मेमोरी टाइप क्वेश्चन, ये कंप्यूटर रिपेयर हो गया कैसे करेंगे आप लोग, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपेयर करने को, पहले आपका एस आई पी एस काम कर रहा है चेक करना, बाद में सीमॉस चेक करना है, बाद में मेमोरी चेक करना है, मोस्टली ये तीन में करता है। मेमोरी भी काम नहीं करेगा और सीमॉस बैटरी अपडेट होगा और एस एम बी सी में पावर सप्लाई नहीं आ रहा है। चैलेंज क्वेश्चन स्पेसिफिसिटी, एग्जैक्ट मीन स्पेसिफिक मीन्स हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक मीन मध्य प्रदेश, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाइक दैट एग्जैक्टली स्पेसिफिक आंसर। डेफिनेट सॉरी स्पेसिफिक मीन एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट, डेफिनेट मीन्स एग्जैक्ट ओनली वन आंसर होता है। रिलेवेंस मीन्स रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम्पल मैं आपका कंप्यूटर में बात कर रहा हूं, कंप्यूटर में कितना क्या क्या कंप्यूटर डिस्कस सकता है, रिलेशन रिलेवेंस टू सब्जेक्ट नॉट एग्जैक्टली सब्जेक्ट रिलेवेंस टू सब्जेक्ट। लैंग्वेज प्रॉपर लैंग्वेज यूज करना है, डायरेक्टिव मीन डायरेक्टिव मीन्स डायरेक्शन, ये पॉइंट से दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट डायरेक्शन मीन्स मोस्टली ये वाला रिपेयरिंग मेंटेनेंस में आता है, फ्लो चार्ट आया ना, फ्लो चार्ट में आता है आपको डायरेक्शन। एक शब्द मिस करेंगे दूसरा शब्द आपका नहीं आएगा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में आ रहा है ना, फ्लो चार्ट सर्विस चार्ट बोलता है ना, उधर में आपको आएगा। ओके देन आपका मैं आपका आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा मैं आपको हमारा व्हाट्सअप दे दो देंगे आपको, सो आप वो टाइम में आप लोग का मैं पीपीटी भेज मोस्टली भेज दिया सब लोग का आपका दे सकते हैं। धन सिंह बोलो भैया अनमिट, धन सिंह बोलो क्या चाहिए आपको, धन सिंह दिनेश दिनेश हाँ बोलो गुड आफ्टरनून। सी अमृता पीपीटी यू सेंड मी व्हाट्सएप में, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9739266816 9739266816, ये मैसेज हमको व्हाट्सएप में दे दो मैं आपको देंगे। इधर में ये एसएमएस में हमको दो मिनट में खत्म होता है, हमको रीड नहीं कर सकता है। जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स की जो एफिशिएंसी टेस्ट करनी है तो सर उसके लिए कौन सा क्वेश्चन टेक्निक बढ़िया रहेगी, जैसे कॉम्प्रेंस क्या बोल रहे हैं, जैसे सर हमें अपने जो हमारे ट्रेनीज हैं अगर उनकी हमें एफिशिएंसी टेस्ट करना है कि उन्होंने कितना गेन करा हमारा नॉलेज जो हमने दिया एफिशिएंसी, तो सर उसके लिए हमें कौन सा क्वेश्चन का स्टेप फॉलो करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव का या प्रॉब्लम सॉल्विंग का? सी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एग्जांपल उसमें बोला ना डायरेक्टिव भी बोला ना, सो एग्जांपल हमका कंप्यूटर रिपेयर कर रहे हैं, वो कंप्यूटर रिपेयर करने का हमका फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैं। सिमिलरली ऑटोमोबाइल, आप लोग ऑटोमोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल क्या पहले पेट्रोल आ रहा नहीं आ रहा देखना है, क्लच मीन, सो ये वाला क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग एफिशिएंसी चेक करने का टाइम में डायरेक्टिव क्वेश्चन, डायरेक्टिव क्या है स्पेसिफिक, ए पॉइंट में स्पेसिफिक, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार पॉइंट चार क्वेश्चन बच्चे लोग को बोलो, सो चार में आपका आंसर मिल जाएगा, सो एफेक्टिवनेस मिल जाएगा आप सब लोग। सिमिलरली बच्चों लोग का ये पॉइंट आपका चार क्वेश्चन में पूरा सिलेबस कवर कर सकता है ना आपको, सो ये टाइम आपका एफेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन में आप लोग का सब्जेक्ट खत्म कर सकता है, मैं सर्विस करने को कंप्यूटर सर्विस करने को मैं चार पाँच क्वेश्चन में आपका सर्विस पूरा आप सबमिट करेंगे आपको, ऐसे करना है। ओके यानी आपको पर्सनल में भेज दो नो प्रॉब्लम, कुछ आदमी है श्रद्धा हो गया ये लोग आपको बंद करो ना, दान सिंह
ये वाला क्या भैया, कुछ आदमी के जाए डाउट चाहिए बोलो। प्रशांत महतो, प्रशांत महतो, प्रशांत, हाँ बोलो प्रशांत महतो। सर बोल रहे हैं क्लास, यस सर बोल रहे हैं कि क्लास के बीच बीच में क्वेश्चन करना सही है कि एंड ऑफ द क्लास? नो, एक्चुअली बीच में क्वेश्चन देना है आपको, बिकॉज देना मैं अभी दे नहीं दे रहा है, बिकॉज ये वाला ऑनलाइन क्लास है, ये इंटरेक्ट नहीं है, इंटरेक्टिव नहीं है ये वाला। आप लोग का क्या है ना, ये हम लोग का डायरेक्ट नहीं है ना, इंटरेक्टिव नहीं है। मेरा क्लास में सब लोग का 15 मिनट के ऊपर क्वेश्चन देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज क्या होता है उन लोग का बाहर जाता है, वो लोग मीन कंट्रोल मीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा उनका, सो जाएगा, ऐसा आता है। रिपीट क्वेश्चन मीन्स रिलेटेड टू टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन नहीं देना है। फॉर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है ऐसे नहीं बोलना है, रिपीटेड रिपीटेशन करना है, 15 मिनट 20 मिनट एक बार रिपीटेड करना है, ऐसे उन लोग का कंसंट्रेशन आएगा, उन लोग का मीन थ्रू आउट द क्लास आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं बच्ची को, ठीक है ना? तो सर सर रिफ्रेश करने के लिए वहां पर कुछ दूसरा लॉजिक भी दे सकते हैं क्या उनका माइंड को? दूसरा नहीं, आप लोग का सब्जेक्ट रिलेटेड करना है, सबके सब्जेक्ट चैप्टर रिलेट करना है। दूसरा दूसरा आप लोग एंड ऑफ द क्लास कर सकते हैं और स्टार्टिंग में कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट इन बिटवीन में दूसरा नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, इन बिटवीन क्लास खत्म होने के बाद में दूसरा पास कर सकता है, सिमिलरली क्लास का पहले कर सकता है, इन बिटवीन क्लास में क्लास का रिलेशन कर सकता है, वो चाय टाइम लंच टाइम वो दूसरा बात कर सकता है, बस क्लास सीक्वेंसिंग टाइम में दूसरा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ओके मोनिका त्रिपाठी अनम्यूट करो, मोनिका त्रिपाठी सीएसए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलो मोनिका जी। सर मुझे क्वेश्चन करना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन? ये कल का क्वेश्चन है ना? यस सर। सी इवैल्यूएशन मींस एग्जामिनेशन टेस्टिंग, उनका बाद में आपका कितना मार्क आ रहा है, कितना अकाउंट अच्छा पड़ रहा है। असेसमेंट मींस आपका इंस्टीट्यूट में, ये इंस्टीट्यूट में आपका एग्जाम कर सकता नहीं कर सकता है, आपका इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज है नहीं है। सो एक्चुअली कल मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बट अभी आपका आपका व्हाट्सएप दे दो, मैसेज दे दो, आपका मैं पूरा डिटेल आपको भेज देंगे, आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। सर अपना दे दीजिए क्या? 9739 9739 9739 266 816 टाइम हो गया, 9739 266 816 उधर मैसेज दे दो, मैं आपका डिटेल्स भेज देंगे मैं। ओके ओके सर। मंजित मंजित रजाक बोलो भैया, मंजित रजाक अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ मंजित रजाक, मंजीत जी बोलो क्या चाहिए आपको? मंजीत जी टाइम हो गया, दूसरा आदमी क्लास है 12 बजे। यस सर। बोलो हाई केम, थैंक यू मिस्टर बी। यस सर। गुड थैंक यू, टुडे गुड, ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स अटेंडेड, 192। वंडरफुल सर, वंडरफुल, थैंक यू। ओके एनीहाउ आई थिंक आई हैव टू हैंड ओवर टू मिस्टर मिस्टर रूबी बिकॉज नेक्स्ट क्लास 12 बजे है। सक्सेना शालू आप मैसेज दे दो, व्हाट्सएप दे दो, मैं आपका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? अभी टाइम हो गया उनका, दूसरा देना। कुछ लोग का कंफ्यूज होगा, आपका व्हाट्सएप नंबर ले लो, 9739266816। मैं सब लोग का पीपीटी, सब बच्ची को पीपीटी पीओटी के लिए पीपीटी मैं भेजता हूँ आपको। मैं बोल रहा है सब लोग का, सब स्टूडेंट अच्छा मार्क करना चाहिए, सब स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। मैं मेरा स्टूडेंट है, मैं एनएसटी इंदौर का स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, सब स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट है, सब लोग में हेल्प करेंगे, सब लोग अच्छा पढ़ के अच्छा मार्क लेके अच्छा पीओटी अंडरस्टैंड करके अच्छा रिस्टेट बनाए, नेक्स्ट हमका 300 नेक्स्ट जनरेशन में इंडिया का चेंज करना है, दैट इज माय इंटरेस्ट। ओके मेरा बच्ची 200 बच्ची नहीं हमको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टुमारो क्लास बहुत अच्छा क्लास है, डीजीटी का स्कीम से, डीजीटी क्या है, दूसरा ट्रेनिंग क्या है। मैं डीजीटी में 26 ईयर्स काम कर रहा हूँ, 26 ईयर्स, मेरा पापा डीजीटी एम्प्लॉय है, मेरे बचपन से डीजीटी में ब्लड में है हमको। सो मेरा बचपन से मेरा पापा 1971 शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट 49 ईयर्स में डीजीटी में मालूम हमको। सो डीजीटी का बताएंगे पूरा आपको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, प्लस आप लोग का लाइफ में चाहिए क्या है, स्किल ट्रेनिंग क्या है, डीजीटी क्या है, एनसीबीटी क्या है, एनसीबीईटी क्या है, एनएसडीसी क्या है, ये पूरा आपका कल बताएंगे मैं 12 बजे 11 बजे से क्लास है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।